स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक, और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। विश्व कप जीतने की प्रबल दावेदार मानी जा रही भारतीय टीम की बल्लेबाजी पहले ही मैच में दम तोड़ती नजर आई। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले अभ्यास मैच में भारत की धुरंधर बल्लेबाज स्कोरर को ज्यादा परेशान करने में नाकाम रही। रोहित शर्मा, शिखर धवन और लोकेश राहुल जैसे बल्लेबाज तो दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। तो कप्तान विराट कोहली ने दहाई का आंकड़ा तो छुआ, लेकिन अपनी पारी को ज्यादा आगे नहीं ले जा सके। आलम ये था कि विश्व में सबसे बेहतरीन माना जाने वाला भारतीय टॉप ऑर्डर 50 रन के भीतर पवेलियन में बैठा हुआ था। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने सबसे पहले हिटमैन रोहित शर्मा को विकेट के सामने पकड़ा। रोहित सिर्फ 2 रन ही बना सके। रोहित के जोड़ीदार शिखर धवन ने भी रोहित की बराबरी की और 2 रन ही बनाए। शिखर धवन ने भी अपना विकेट देने के लिए बोल्ट को ही चुना। हाँ, वो विकेट के सामने की बजाय विकेट के पीछे पकड़े गए। नंबर 4 पर आए लोकेश राहुल भी कुछ खास नहीं कर पाए और बोल्ट की गेंद को विकेट में खींच लाए। थोड़ी देर बाद 18 रन बनाकर कप्तान विराट कोहली भी चलते बने। इसके बाद महेंद्र सिंह धोनी और हार्दिक पांड्या ने विकेट पर टिकने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही लगा कि ये जोड़ी टीम को मुश्किल परिस्थिति से निकाल देगी, वैसे ही हार्दिक पांड्या अपना विकेट गवा बैठे। बोर्ड पर अभी 77 रन ही जुड़े थे और भारत अपने ऊपर के 5 बल्लेबाजों को गवा चुका था। दिनेश कार्तिक भी इस मौके का फायदा उठाने में नाकाम रहे और 4 रन बनाकर चलते बने। धोनी ने जरूर विकेट पर टिकने की कोशिश की, लेकिन दूसरे छोर से उनको कोई साथी बल्लेबाज नहीं मिला, जिससे उन्होंने भी अपना आपा खोया और सऊदी को विकेट देकर पवेलियन लौट गए। पहले ही अभ्यास मैच में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के सामने विश्व की सबसे खतरनाक बैटिंग लाइनअप ने जिस तरह से सरेंडर किया, वो हैरान करने वाला है। भारतीय बल्लेबाजों को जल्द से जल्द खुद को इंग्लैंड की परिस्थितियों में ढालना होगा, वरना शुरुआती मैचों में टीम को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पोर्ट्स तक।